पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी अदाकार आहत रजा मीर ने आलिया इंटरव्यू में अपनी साथी जिंदगी और साथी अदाकारा से मुतल्लिक होने वाली अफवाह पर खुलकर बात करने से इनकार कर दिया। अदाकार ने ऐसा क्यों किया, ये हम अपडेट्स बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो का आगाज करते हैं हमारे चैनल रियलिटी डेक्स न्यूज में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको अपडेट्स देंगे पाकिस्तानी के मशहूर अदाकार आहत रजा मीर के बारे में। गाइस आपको बताते चले कि आहत रजा मीर ने हाल ही में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां सहाफी ने दौरान गुफ्तगु सोशल मीडिया पर गर्दिश होने वाली अफवाहों से मुतलिक सवाल किया। सहाफी ने सवाल किया और उन्होंने अपने सवाल में तो अदाकारा रिमशा खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इन दोनों के दरमियान मुमकिन ताल्लुकात की वजह से होने वाली खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसी हवाले से उन्होंने ये सवाल किया तो अदाकार ने इस सवाल का जवाब कुछ यूँ दिया। अदाकार आहत रजा मीर का कहना था कि मैं बहुत बहुत इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता लोगों मेरी ज़िंदगी जानने के में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए मैं किसी बात पर कोई वजाहत नहीं देना चाहता। लोग जो मेरे बारे में समझना चाहते हैं वो समझे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस आपको बताते चले कि यहाँ पर अदाकारा रिमशा खान का मुकम्मल नाम नहीं लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दोनों के दरमियान तल्लुकात की खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। तस्वीरों के हवाले से बात करते हुए आहत रजा मीर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करूं कि मैं लोगों को इस हवाले से कोई वजाहत पेश करूं। तो गाइस यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि आहत रजा मीर ने 2020 में पाकिस्तानी अदाकारा सज्जल अली से शादी की थी, लेकिन 2022 में ये खबरें सामने आई थी कि इन दोनों के दरमियान इलाकी हो चुकी है। दोनों स्टार ने आज तक इन खबरों की तस्दीक नहीं की, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी आमना के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि इन दोनों के दरमियान इलाकी हो चुकी है। तो गाइस अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही आहत रजा मीर पाकिस्तानी अदाकारा रिमशा खान में इंटरेस्टेड है या कुछ और बात है, ये आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द आपसे भी मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नए एक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।